स्टूडेंट्स, डायनामिक्स में आपके पास फोर्थ चैप्टर चल रहा था और फोर्थ चैप्टर के आर्टिकल्स हम कर चुके हैं। आज हम एग्जांपल करते हैं अनइलास्टिक स्ट्रिंग। पहला एग्जांपल आपका अनइलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 2L कैन जस्ट सपोर्टेड ए सर्टेन वेट व्हेन इट इज स्ट्रेस्ड टिल इट्स लेंथ इज 3L। आपके पास कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है 2L और उसको एक वेट के साथ हैंग किया गया, स्ट्रेच किया गया, लटकाया गया और इस टाइप से इतना वेट लटकाया कि 2L की बजाय उसकी जो लेंथ थी वो 3L हो गई। वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज नाउ अटैच्ड टू ए पॉइंट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल और स्ट्रिंग का एक एंड हॉरिजॉन्टल टेबल में फिक्स कर दिया गया एंड द सेम वेट इज अटैच्ड टू द अदर पॉइंट और वही वेट दूसरे किनारे पे हैंग कर दिया गया। ओके, प्रूव दैट इफ द वेट इज बी पुल्ड टू एनी डिस्टेंस, अगर वेट को कुछ डिस्टेंस के लिए धकेला जाए एंड लेट गो एंड छोड़ दिया जाए द स्ट्रिंग विल बिकम द स्लैक आफ्टर ए टाइम, तो स्लैक जो स्ट्रिंग है उसमें स्लैक आ जाएगा इतने टाइम के बाद। दैट मीन्स ये क्या है वैसे, ये आपका पीरियोडिक टाइम है, तो हमें कहने का मतलब यहाँ पे पीरियोडिक टाइम ये शो करना है। ओके, आपके पास मास कितना लिया, m ग्राम लिया विच हैंग वर्टिकली, हमने उसको वर्टिकली डाउनवर्ड लटकाया तो OA की जो लेंथ थी कितनी है 2L है और उसके ऊपर वेट लटकाया और इसमें एक्सटेंशन कितना आया L आया, आया ना, और ये आपके पास A से B पोजीशन पे आ गया और इसमें जो खिंचाव आया जो टेंशन आई उसको हमने टी का नाम दे दिया और वेट आपका ये है एम ग्राम। तो नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आपकी 2L है, स्ट्रेच्ड लेंथ कितनी है मतलब आफ्टर वेट हैंगिंग जो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो आपकी 3L है। ओके, एक्सटेंशन कितना हुआ जो टोटल लेंथ है हैंग करने के बाद या स्ट्रेच करने के बाद उसमें से नेचुरल लेंथ घटाओगे तो आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगी कि हमारा जो स्ट्रिंग था उसमें कितना खिंचाव आया है। ओके, तो आप टेंशन निकालोगे बाय हुक्स फॉर्म्स, तो टेंशन कैसे निकालते हो टी इक्वल्स टू एम जी मतलब टोटल वेट आपका और ये निकालते हो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू में एक्सटेंशन बाय नेचुरल लेंथ, तो लैम्डा हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, एल हमने एक्सटेंशन लेंथ ली है और 2L आपके पास क्या है नेचुरल लेंथ है, तो यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी जिसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया। ओके, लेट वन एंड बी ऑफ द स्ट्रिंग बी फिक्स एट ओ, और जैसा कि क्वेश्चन में बताया था कि एक एंड को फिक्स कर दिया ओ के ऊपर एंड द पार्टिकल ऑफ मास और एम मास का जो पार्टिकल है उसको हमने अदर एंड के लटका दिया, हैंग कर दिया और अगर वर्टिकली किया है तो ये डाउनवर्ड आ जाएगा आपके पास और क्या कर दिया अदर एंड बी पुल्ड टू ए लेंथ ऑफ एल और लेंथ एल ये लटकाने के बाद इसको एल तक ले गया। OA हमारा कितना है 2L और AB हमारे पास A ले लिया कि आपके पास जो स्ट्रिंग थी उसके ऊपर आपने M जो वेट लगाया तो M वेट लगाने के बाद आपकी जो स्ट्रिंग बढ़ी, तो बढ़ी हुई स्ट्रिंग में मतलब हमने ये मान लिया कि उसमें जो खिंचाव बढ़ा वो A बढ़ा, ठीक है, एंड उसको छोड़ दिया लेट गो। लेट P बी द छोड़ने के बाद छोड़ने के बाद आपको पता है पार्टिकल अपने हिसाब से वापस जाएगा, तो पी बी द पोजिशन, पी हमने वो पोजिशन ले ली ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट टाइम कि बी से, जैसे हमने इसको बी से लिया और बी से छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे मतलब एकदम से छोड़ा तो आपका उसी वहीं पे तो जाएगा नहीं, वो कहीं और जाके रुकेगा ना ही आप अपनी इनिशियल पोजिशन पे जाएगा, तो जहाँ पे भी रुका हमने उस पोजिशन को किसका नाम दे दिया पी का और ये किटी टाइम में, ठीक है, तो ए पी आपने क्या ले लिया एक्स, इक्वेशन ऑफ मोशन आप क्या निकालते हो एम इंटू में डी स्क्वेयर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वेयर और माइनस में टी डैस, ये टी डैस आपका क्या है टी डैस टेंशन ले ली, तो टी डैस टेंशन को कैसे निकालते हो माइनस एक्सटेंशन और टोटल लेंथ ये वाला
टोटल लेंथ, ये तो हमारे पूरे रोड का था और ये हमने जैसे इसको छोड़ा, लेट गो बोल रहे हैं, उसको छोड़ा तो उसके ऊपर कितना एक्सटेंशन था उसके हिसाब से लिया। ओके, तो ये हमारे पास एक्स उसमें एक्सटेंशन है अभी भी, एंड फाइनल टोटल लेंथ कितनी आपकी 2L है। ठीक है, तो पी जो है, टी डैश जो है वो हमने पी के ऊपर टेंशन कंसिडर किया है। ठीक है, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस हमने दोनों तरफ से डी स्क्वेयर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वेयर की वैल्यू निकाल ली, इसको इधर कर दिया एम को, विच इज़ फॉर्म। अब आप देखिए कि कौन से फॉर्म की बन रही है, ये जो आपकी इक्वेशन है ये आपकी सिंपल हार्मोनिक फॉर्म की लग रही है ना। तो हमने म्यू इज इक्वल टू कंसिडर कर दिया, यहाँ पे लैम्डा बाई 2LM ले लिया। ओके, तो 2LM ले लिया, फ्रॉम 1 से हमने लैम्डा की वैल्यू डाल ली तो जी बाई एल बन गया। ठीक है, दिस शोज दैट मोशन इज सिंपल हार्मोनिक अबाउट सेंटर ए, और हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये हमारा किस में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। स्ट्रिंग बिकम स्लैक व्हेन पार्टिकल क्रॉस ए, और आपको पता है जब हम स्ट्रिंग को छोड़ देंगे और स्ट्रिंग हमारे ए से ऊपर चली जाएगी तो वो स्ट्रिंग में हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लैक आ जाएगा, वहाँ पे कोई भी क्या नहीं रहेगा, एक्सटेंशन नहीं रहेगी, वो बिल्कुल ढीली हो जाएगी। और तो रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा, इसको बी से ए का चाहिए रिक्वायर्ड टाइम। ठीक है, बी से ए का तो 1/4 है वो बी से ए का टाइम, तो पीरियडिक टाइम क्या होता है आपका 2π बाई रूट म्यू होता है, तो 1/4 ऑफ दिस, और यहाँ पे हमने म्यू की वैल्यू डाल दी और आपके पास ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ए पार्टिकल इज अटैच टू ए मिडल पॉइंट ऑफ ए यूनिफॉर्म इलास्टिक स्ट्रिंग विच इज स्ट्रेस्ड बिटवीन 2 points ए एंड बी ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल। ए पार्टिकल इज अटैच टू द मिडल पॉइंट ऑफ ए यूनिफॉर्म इलास्टिक स्ट्रिंग, आपके पास एक पार्टिकल लटकाया, आप एक यूनिफॉर्म इलास्टिक स्ट्रिंग रोड है, इलास्टिक स्ट्रिंग है, उसके मिडल पॉइंट के ऊपर हमने कोई पार्टिकल अटैच किया विच इज़ स्ट्रेस्ड बिटवीन 2 points बी ए एंड बी ओन ए, जो कि उसको दोनों तरफ ए और बी की तरफ खींच रहा है हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर। इफ़ द पार्टिकल इज़ पुल्ड द सेम पॉइंट सी, अगर हमने पार्टिकल को सी पॉइंट की तरफ खींचा, पुल किया उसको बिटवीन ए एंड बी, देन लिबरेटेड शो दैट द मोशन इन सिंपल हार्मोनिक। तो आपको ये शो करना है कि आपका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक पोजिशन में बने। ठीक है, और पीरियड ऑफ मोशन निकालना है और साथ साथ एम्पलीट्यूड भी निकालना है। तो लेट हमने ले लिया इलास्टिक स्ट्रिंग की लेंथ है एल, कंसिडर कर ली स्ट्रेच, और हमने उसको जैसे स्ट्रेच किया टू द लेंथ एल प्लस में एल डैश, सो दैट हमने उसको इस टाइप से स्ट्रेच कर लिया कि हमारे पास दोनों तरफ खींच लिया कि उसकी लेंथ तो क्या थी एल थी, लेकिन हमने एल डैश और खींच लिया। तो देखिए ओ मैं मिडल पॉइंट ले लिया और ए की तरफ और बी की तरफ मैंने उसको खींचा, और ए बी जो है वो हमारा एल प्लस में एल डैश है। ए और बी आपके पास आर द पॉइंट्स के, उसके स्ट्रिंग के क्या है, एंड पॉइंट रखे आपने। ठीक है, लैम्डा बी द हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ले लिया, एंड लेट हमने एम क्या ले लिया, मास ले लिया जो कि ओ पे टाइड किया गया है, ओ हमारा क्या है मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो ओ ए और ओ बी क्या बन जाएंगे इंडिविजुअली, ओ ए और ओ बी वो हमारे हाफ हो जाएंगे। ठीक है, ओ ए और ओ बी हमारे हाफ ऑफ टोटल लेंथ हो जाएंगे। अब देखिए आपके पास ओ ए पे था, तो जैसे आपने इसको स्ट्रेच किया सी तक ले गए बी तक ले गए, आपने इसको छोड़ा तो ये कहीं भी आके रुकेगा, तो पी पोजिशन वो ले ली, और ये टी वन और टी टू जो है वो हमारी टेंशंस हैं। तो देखिए कैसे हम टी वन और टी टू निकालते हैं, लेट द मास बी पुल्ड एट ए पॉइंट सी, कि अभी बताया मैंने कि उसको ना हमने बीच से पकड़ के और सी तक ले गए, उसको पुल किया सी पॉइंट तक, और इसमें हम एंड रिलाइज उसके बाद हमने छोड़ दिया, तो जैसे छोड़ा तो वो अपनी पोजीशन खुद डिसाइड करेगा, तो जहाँ पे भी वो रुका हमने पाया कि वो पी पॉइंट के ऊपर रुका, तो ओ पी हमने कितना ले लिया एक्स ले लिया, कि अभी उस पार्ट में जो एक्सटेंशन है वो ओ पी के इक्वल है जो कि हमने एक्स कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब हम ये निकालेंगे कि उनके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, टेंशन कितनी लग रही है। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास, तो मतलब टी वन हमने ए पी पोर्शन के ऊपर, ए पी ए से लेके पी पोर्शन तक जो टेंशन लगी हुई है उसको हमने टी वन का नाम दे दिया, और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, पी ए डायरेक्शन है।
ओके, तो नेचुरल लेंथ ऑफ आपकी स्ट्रिंग कितनी है? नेचुरल लेंथ इस केस में एल बाई टू हो जाएगी, हाफ। ओके, एक्सटेंडेड लेंथ कितनी है? एपी है, एपी का हाफ, तो एपी का हाफ प्लस में एक्स है, क्योंकि देखो एपी आपका ओए जो है वो वन बाई टू एल प्लस में एल डैस है, और ओपी कितना माना था आपने? एक्स माना था, तो एपी तक की लेंथ चाहिए ना हमें, तो वन बाई टू एल प्लस में एल डैस प्लस में एक्स हो जाएगा। और एक्सटेंशन लेंथ क्या है? टोटल बढ़ी हुई लेंथ में से नेचुरल लेंथ माइनस कर देंगे, तो टोटल बढ़ी हुई लेंथ में से नेचुरल माइनस करेंगे तो एल डैस बाई टू प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स। टेंशन टी टू ऑफ द पार्ट पोर्सन पी बी पी ऑफ द स्ट्रिंग इन द डायरेक्शन पी बी। अब हम निकालेंगे पी बी, टी टू टेंशन निकालेंगे पी से बी की तरफ। देखिए पी से बी की तरफ, तो यहाँ पे जो मैंने पी से ए की तरफ जो आ रहा था उस टेंशन की डायरेक्शन हमने पी से ए की तरफ, तो पी से ए की तरफ डायरेक्शन मिल गई। अब हमें निकालना पी से बी की तरफ, तो टी टू डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, नेचुरल लेंथ ऑफ पी बी कितनी है? हाफ है एल। एक्सटेंडेड कितनी है? वही आपका वन बाई टू एल प्लस में एल डैस और माइनस में एक्स हो जाएगा, क्योंकि ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल है ना, तो इसमें तो आपका एक्स ऐड हो गया था और इसमें आपके पास क्या हो गया? घट गया। ओके, एक्सटेंशन लेंथ क्या निकालोगे? एक्सटेंडेड लेंथ में से नेचुरल लेंथ घटाओगे, तो ये आ गया आपका एल डैस बाई टू माइनस का एक्स। बाई हुक्स थ्योरम हमने दोनों टेंशन निकाले टी वन और टी टू, तो टी वन कैसे निकालोगे आप? टी वन, अब देखो दोनों के एक्सटेंशन लेंथ निकाली ना, तो टी वन निकालते हो, यहाँ पे टेंशन आप मॉडुलस ऑफ इंटेंसिटी इनटू में क्या निकालते हो? एक्सटेंशन अपॉन में नेचुरल लेंथ, तो नेचुरल लेंथ भी आपके पास है, और टी वन के रिगार्डिंग तो आपके पास क्या है? एल डैस बाई टू प्लस में एक्स, और नेचुरल लेंथ आपके पास क्या है? एल बाई टू है। तो इसको सॉल्व किया, ये आपके पास आया लैम्डा टाइम्स ऑफ एल डैस प्लस में टू एक्स बाई एल। एंड सिमिलरली आपने टी टू निकाल दिया, टी टू कैसे निकाला? टी टू आपके पास इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वन बाई टू, वही एक्सटेंशन लेंथ अपॉन में टोटल टोटल नेचुरल लेंथ, तो ये आपके पास एल डैस लैम्डा टाइम्स इनटू में एल डैस माइनस में टू एक्स अपॉन में एल आ गया। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन आप कैसे बनाते हो? एम इनटू में डी स्क्वेयर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वेयर, और टेंशन जो भी घट बसता आपका एक्सटेंशन वो बस लेते हो, तो टी टू माइनस में टी वन, आपके पास टी टू भी की वैल्यू भी है और टी वन की वैल्यू भी है। आपने इनको सॉर्ट आउट किया और एम से इधर डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद ये देखो कौन सी फॉर्म में बन गई आपकी? डी स्क्वेयर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस का म्यू एक्स। तो ये आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, हमने म्यू इज इक्वल टू रख लिया फोर लैम्डा अपॉन में एम एल रख दिया। तो पीरियोडिक टाइम पूछा गया था आपसे, तो पीरियोडिक टाइम आपके पास क्या बन जाएगा? टू पाई अपॉन में रूट म्यू, तो टू पाई अपॉन में रूट म्यू की वैल्यू डाल दी हमने, तो ये हमारे पास ये आ गया। अच्छा, आपके पास एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड आपका ओ सी है, जो कि हमारा यहाँ से निकाल के रख देंगे ओ सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पास ए मास ऑफ फोर के जी। अब की बार हमारे पास सारे डाटा दे दिए इसने। ए मास ऑफ फोर के जी सस्पेंडेड फ्रॉम ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 3 मीटर। अभी तक आपको नेचुरल लेंथ भी नहीं दिया था, मास भी एम दिया था और नेचुरल लेंथ एल दे रहा था, तो नेचुरल लेंथ आपके पास 3 मीटर दे दिया, और एक्सटेंडेड जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है? 2 है एक्सटेंशन मतलब, और वेट कितना है? मास आपका 4 kg दे रखा है। वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एंड ए मास ऑफ 2 kg अटैच्ड टू द अदर एंड। आपकी जो स्ट्रिंग है उसका एक एंड तो फिक्स कर दिया एंड सेकंड एंड को 2 kg मास अटैच कर दिया। ओके, द मास इज हेल्ड सो दैट द स्ट्रिंग इज जस्ट अनस्ट्रेच्ड, द मास इज हेल्ड सो दैट। आप उसका जो मास है वो इस टाइप से रखा कि स्ट्रिंग जो है आपको ये नहीं लगे कि स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया गया है, अनस्ट्रेच लगे वो। ठीक है, इज देन लेट गो एंड उसके बाद उसको छोड़ दिया, तो देन फाइंड द एम्पलीट्यूड पीरियड्स एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द मोशन। तो आपको तीन चीज़ें निकालनी है, एम्पलीट्यूड निकालनी है और उसके बाद
पीरियोडिक टाइम निकालना है एंड मैक्सिमम वेलोसिटीज़। और जहाँ तक आपको पता है ये सब चीज़ें निकालते हो, तो उससे पहले हमें इक्वेशन मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सप्रेस करना होता है। तो हम पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सप्रेस करेंगे। हम उसके लिए इक्वेशन ऑफ आपकी मोशन निकालेंगे। नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है। एक्सटेंशन कितनी है, 2 मीटर है। मास कितना सस्पेंड किया, 4 ग्राम किया, 4 kg किया, सॉरी। तो बाय हुक ला आपने टेंशन जो निकाली है, मतलब मास लेते हो 4 ग्राम इक्वल्स टू लैम्डा इंटू में एक्सटेंशन अपॉन में नेचुरल लेंथ। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी आई, यहाँ पे 6 ग्राम आ गई, ठीक है। एसी बी द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग ओए। एसी हमने एक्सटेंशन ले लिया किसका, स्ट्रिंग ओए का। वहन ए मास ऑफ 2 kg हैंगिंग की, इसी हमने ओ स्ट्रिंग का एक्सटेंशन ले लिया जब उसको 2 ग्राम का मास लटकाया, ठीक है। तो ओ ए तो स्ट्रिंग थी और एसी हमने ये ले लिया कि बड़ा हुआ कि उसको 2 ग्राम जब मास लटकाया, ठीक है। और वो उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में, क्योंकि वो अनस्ट्रेस बता रहा है, तो 2g इस केस में इसकी टेंशन निकाल दी। टोटल वेट कितना है, 2g और इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्सटेंशन अपॉन में टोटल लेंथ। तो लैम्डा इंटू में आपका एसी बाई 3 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू लैम्डा की वैल्यू पीछे वाले फ्रॉम 1 से हमने डाल दी, 6 ग्राम है, ये आपके पास 2 ग्राम। तो एसी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर आ गई, ओके। तो लेट अब हमने ले लिया पी बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। पी हमने पार्टिकल की पोजिशन ले ली एट इंस्टेंट टाइम टी आफ्टर इट रिलाइज। अब हमें ये बार बार करते आ रहे हैं कि हमने पार्टिकल को स्ट्रेच किया उसके बाद छोड़ दिया, तो पार्टिकल ने अपने कहीं ना कहीं तो पोजिशन पकड़ी होगी, तो हमने वो पोजिशन को पी का नाम दे दिया। और वो अपनी फाइनल पोजिशन से कितना दूर है वो हमने सी पी मान लिया कि उसमें अभी एक्सटेंशन कितनी है, एक्स है। तो अब हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो टी टेंशन ले ली इन द स्ट्रिंग में, और इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या बन जाएगा, एम टाइम्स लेते हो ना, डी स्क्वेयर अपॉन एक्स अपॉन में डी टी स्क्वेयर, और एम जी माइनस का टेंशन, यही निकालते हो ना। तो एम की वैल्यू आपके पास 2 है और टी हमने निकाल लिया, तो 2g माइनस पे लैम्डा टाइम टेंशन हमने निकाल रखी है ना, ए पी अपॉन में ओ ए, क्योंकि हमें ए पी के अलोंग निकालने हैं, ए पी के अलोंग। तो ये आपके पास निकल गया और 2 से डिवाइड कर दिया, ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस का जी एक्स इक्वल्स टू माइनस का म्यू एक्स। तो ये आपका सिंपल हार्मोनिक पोजिशन में है। क्या पूछा गया था आपसे कि पीरियोडिक टाइम बताइए, तो पीरियोडिक टाइम निकालते हो 2π अपॉन में रूट म्यू। म्यू की वैल्यू हमारे पास जी है, हमने पुट कर दिया। अब उसको एम्पलीट्यूड चाहिए, तो पार्टिकल वाज इनिशियली एट रेस्ट एट 1, तो ए पे रेस्ट कर रहा है, तो एम्पलीट्यूड ए एसी के बराबर हो जाएगा 1। और मैक्सिमम वेलोसिटी रूट म्यू इंटू में ए निकालते हो, रूट म्यू, म्यू की वैल्यू है आपके पास जी एंड ए की वैल्यू 1 है, तो ये आपके पास रूट जी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ एल हैज़ 1 एंड फिक्स एट ए पॉइंट ओ एंड अदर अटैच टू ए पार्टिकल। A weight of which is equilibrium position would extend the string to a length L1। आपके पास कोई भी इलास्टिक स्ट्रिंग ले रखी है जिसकी लेंथ कितनी है, नेचुरल L है, उसका एक पॉइंट फिक्स कर दिया गया एंड दूसरे के साथ एक पार्टिकल अटैच किया, ठीक है। और वेट ऑफ द विच इक्विलिब्रियम, और उसको इक्विलिब्रियम पोजिशन में रख रहा है, इस हिसाब से वेट डाल रहा है, वुड एक्सटेंड द स्ट्रिंग टू ए लेंथ एल डैश, मतलब इतना वेट लटकाया कि सिर्फ उसको एल डैश लेंथ के लिए एक्सटेंड किया, एल डैश लेंथ के लिए ही बढ़ाया, उसमें जो एक्सटेंशन है वो कितना क्रिएट हुआ, एल डैश L1 हुआ। शो दैट इफ़ द पार्टिकल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट ओ, तो अगर आपको ये शो करना है कि पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है कहाँ से, रेस्ट पोजिशन से, इट विल कम टू इंस्टेंशियस रेस्ट एट ए डिप्थ ऑफ दिस बिलो द इक्विलिब्रियम पोजिशन, तो इक्विलिब्रियम पोजिशन में वो इतना उसमें एक्सटेंशन आई। तो ओ ए हमारे पास नेचुरल लेंथ है और ए बी हमने उसमें एक्सटेंशन ले ली, एम हमने उसका मास ले लिया, तो एक्सटेंशन कैसे निकालोगे, एक्सटेंडेड लेंथ माइनस में नेचुरल लेंथ, तो L1 माइनस में L हो गया आपका। और हमने ले लिया कि L1 विद द स्ट्रेच लेंथ है, बड़ी हुई है, ठीक है। इफ़
टी नोट विद अ टेंशन एट बी, आप लेते हो टी नोट टेंशन बी के ऊपर, एंड लैम्डा हमने ले लिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। हमने क्या लगा रहे हैं, हुक्स लॉ लगा रहे हैं, हुक्स लॉ लगा रहे हैं। तो हुक्स लॉ में क्या लगाते हो, एम जी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स एक्सटेंशन बाय नेचुरल लेंथ, तो एम जी इक्वल्स टू एम ग्राम है, और टेंशन एम ग्राम इज इक्वल टू टेंशन, तो ये आप लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्सटेंशन ई है आपका, एल नेचुरल लेंथ है, ई की हमने क्या डाल दी, वैल्यू डाल दी, लैम्डा से हमने वैल्यू क्रिएट कर ली यहाँ से अपनी, ओके। उसके बाद क्या किया, ये देखो वही आपके पास ओ ए पार्टिकल है, बी तक स्ट्रेच किया हमने, फिर ये पी छोड़ दिया, तो ये पी के ऊपर अपनी पोजिशन ले ली, ये सब भी हमने वही एक्सटेंशन दिखा रखी है इसकी, टेंशन दिखा रखी है। तो लेट द पार्टिकल फ्री फॉल फ्री फ्रॉम ए टू बी, कि हमने पार्टिकल को फ्री छोड़ दिया, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए क्या हो जाएगी, टू इंटू में जी एल, टू इंटू में जी एल हो जाएगी। ड्यूरिंग द मोशन लेट पी बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, और जब हमने पार्टिकल को पी पोजिशन पे रखा एनी टाइम टी के बाद, तो वो बी से कितना दूर है, मतलब एक्स डिस्टेंस के ऊपर, बी पी जो है आपका क्या हो गया, एक्स डिस्टेंस पे, कि मतलब आपने जैसे पार्टिकल को रिलाइज किया तो पी पे जाके रुकता है, तो बी से कितना दूर है, एक्स डिस्टेंस पे है, लेकिन फिर भी हमारे सिस्टम को इक्विलिब्रियम पोजीशन में रख रहा है। इफ़ टी भी द टेंशन ले ली पी में, तो टी हमने पी के टेंशन ले ली, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालते हो, तो एम टाइम्स डी स्क्वेयर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वेयर एम जी माइनस का टी, तो एम जी और टी की वैल्यू टेंशन आपने पहले निकाल रखी है यहाँ पे, तो टेंशन कैसे निकालते हो, लैम्डा टाइम्स ए पी, ए पी आपकी एक्सटेंशन और ओ ए नेचुरल लेंथ, तो लैम्डा की वैल्यू भी पुट कर दिया आपने, और यहाँ पे आपकी ए पी और ओ ए की वैल्यू भी डाल दी, ठीक है। डालने के बाद सबको सोल्व किया और एम हम इधर ले आए, तो आपके पास ये आ गया, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में आप देख पा रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की फॉर्म में है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की फॉर्म में है, हमने यहाँ से इसको चेंज कर दिया, और म्यू कितना लिया, जी अपॉन में एल डैश माइनस का एल, ठीक है। तो दस द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट ए बी के ऊपर, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इज गिवन, भाई आपके पास कितनी दे रखी वेलोसिटी, किसी भी टाइम की वेलोसिटी जो होती है हम कैसे निकालते, वी स्क्वेयर इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, और ए आपका यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, तो हमने एक्स बी ए मान ही रखा था, बी ए कैसे निकला, एल वन माइनस में एल, वेलोसिटी आपके पास क्या दे रखी, वी, ये दे रखी रूट टू, ये आप निकालते हो ना मैक्सिमम वेलोसिटी रूट म्यू निकालते हो, म्यू इनटू में ए निकालते हो, तो वैसे ही आपके पास हमने इसमें वैल्यू डाली है, तो रूट म्यू की वजह गया, ये आपके पास टू जी एल आ गया, तो टू जी एल की वैल्यू निकाली आप, हमने यहाँ से इस चीज़ को स्टेप से लिख दिया, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ए की वैल्यू निकाली, ए स्क्वेयर की, और लेफ्ट में ये सोल्व कर दिया सारा, होल स्क्वेयर खोल के, और ए की वैल्यू आपके पास ये है, तो ए की वैल्यू ये क्या है, एम्पलीट्यूड, वो एम्पलीट्यूड ही पूछ रहा था कि कितनी डेप्थ है, तो वो आपका क्या है, एम्पलीट्यूड है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।